नमस्कार दोस्तों, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से बीरोची विवेक पांडे की खास रिपोर्ट। बनी रही आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। खबर है, मुख्य मार्ग पर खड़े वाहनों के चालकों से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपी धराए। मामला बहुत ही संगीन है। यह मामला है जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के थाना मोरवा के अंतर्गत, जहां पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मोरवा निरीक्षक ने की कार्रवाई, लूटपाट का सामान भी जब्त। लंबे समय से मोरवा थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर देर रात खड़े कोल वाहनों से डीजल चोरी व चालकों के साथ मारपीट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मोरवा पुलिस ने बीते दिनों दर्जनों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। एक बार फिर मोरवा पुलिस ने इस प्रकार के कृत्य में शामिल 5 आरोपियों की धरपकड़ करते हुए क्षेत्र में अमन बहाल करने का प्रयास किया है। मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए स्वयं इन आरोपियों की धरपकड़ की है। गौरतलब है कि अन्य प्रांतों के चालकों द्वारा इस बाबत थाने में लिखित तहरीर नहीं दी गई थी, फिर भी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश एवं SDOP राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोरवा ने मुख्य मार्ग में रात्रि में खड़े ट्रकों से जबरदस्ती कर पैसा एवं मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिन पूर्व थाना मोरवा अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ नकाब पोश रात्रि में वर्धमान होटल के सामने खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर से मारपीट कर मोबाइल एवं पैसा छुड़ाकर भागते हुए दिख रहे थे। सभी ने मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था, जिसमें कोई भी फरियादी या थाने में आकर सूचना नहीं दी थी, लेकिन स्वयं थाना प्रभारी मोरवा द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर ड्राइवर से संपर्क कर उसको थाने बुलाया। झारखंड में होने के कारण वह नहीं आए, पर मोबाइल पर ही अपने मोबाइल सहित अन्य जानकारी से उन्हें अवगत कराया, जिस पर एक टीम लगाकर फरार अज्ञात आरोपियों की तलाश की जाने लगी, जो पुनः लूट डकैती जैसे वारदात करते इसके पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी नए लड़के हैं जो नशे और शौक के लिए इस घटना को अंजाम देते थे। ऐसे जघन्य अपराध में जो गिरफ्तार युवक हुए हैं उसमें हैं रमाकांत बिंद, पिता राजाराम बिंद निवासी खिरवा, राजेंद्र बिंद उर्फ बब्बू पिता अमेरिका बिंद, ये दोनों पुराने सातिर बदमाश हैं। दोनों के खिलाफ प्रकरण 78/15 एवं 44/20 में गिरफ्तारी वारंट भी था, जो फरार चल रहे थे। इन अन्य आरोपी जिसमें पवन कुमार पनिका पिता देवीलाल पनिका निवासी खिरवा, बुलेंद्र कुमार वैश्य पिता राम नरेश वैश्य निवासी खिरवा एवं रमेश कुमार साहू पिता बबुआ राम साहू निवासी खिरवा, ये तीनों पहली बार इस कृत्य में शामिल हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 2 मोबाइल सहित चोरी के अन्य 3 मोबाइल मिले हैं। एक आरोपी इंद्रेश कुमार बिंद पिता रमाकांत बिंद अपनी नई मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना दिनांक के बाद पुलिस के सक्रिय होने पर सभी आरोपी अपने घर से फरार होकर जंगल में ही रह रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त आपराधिक मामले काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण है बेरोजगारी, जिसमें न तो उनको किसी प्रकार की कोई रोजगार मिल पा रहा है, उन्हें पैसे की लत और नशे की लत, जिसके वजह से वह किसी भी आपराधिक मामले में घुसने को तैयार हो जाते हैं। वह आगे के अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा और नशा चाहिए। अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, तो शायद इस स्थिति में ये लोग न घुसें। इसमें कुछ सरकार भी जिम्मेदार है ऐसे लोगों के लिए। अगर इनके पास व्यवसाय होता, इनके पास नौकरी होता, तो शायद इस तरीके के वारदातों में शामिल नहीं होने जाते। लेकिन अभी जितने भी इस वारदात को लोग अंजाम दे रहे हैं, सभी नवयुवक हैं, जो कि 16 साल से लेकर के 24 साल 25 साल के बीच
बीच में ही बच्चे इस वारदात में घुस रहे हैं, जो बहुत ही सोचनीय निंदनीय है कि हमारा आने वाला जो परिवेश है, नया युवक इस तरीके से क्यों भटक रहा है, गलत रास्ता क्यों चुन रहा है, वह ईमानदारी से और मेहनत करके काम क्यों नहीं करना चाह रहा है। उक्त कार्रवाई में स्वयं थाना प्रभारी मोरवा मनीष त्रिपाठी के साथ उप निरीक्षक सी के सिंह, विजय पुष्कार, डी एन सिंह, संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, अजीत सिंह, संजय सिंह, अर्जुन सिंह, अरुणेंद्र पटेल, आनंद पटेल, पतरंग सिंह, आर औरिस, राहुल सिंह एवं सैनिक रामशिया विश्वकर्मा, साइबर सेल से शोभाल वर्मा व खुटार चौकी प्रभारी सुरेंद्र यादव शामिल थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चालू है सर।